हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सादा सूट का ग्राफ बताएंगे। तो ग्राफ बनाने से पहले आप मेजरमेंट को समझ लीजिए। सीना है 40 इंच, ये बॉडी मेजरमेंट से नाप लिया गया है। कमर है 36 इंच और हिप है 40 इंच और सूट का लंबाई है ये 40 इंच, ये सूट के नाप के हिसाब से लिया गया है। और तीरा जो है ये बॉडी मेजरमेंट से लिया गया है, तो इस तीरा है 16 इंच और कपड़ा लगेगा फ्रेंड्स 2.5 मीटर। तो सबसे पहले हम तीरा का ही माप बता देंगे। ये हम बॉक्स बना लिए हैं, तीरा 16 इंच है तो 16 का आधा 8 होगा, तो 2 इंच हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये डीप गला बनाना है, तो ये 6 इंच ले लेंगे। 2 इंच माइनस कर देंगे, 16 इंच तीरा है, 2 इंच माइनस करेंगे मतलब 16 का आधा 8 होगा, तो 8 में 2 इंच माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो 6 इंच हम तीरा लेंगे। अब इसमें गला ले लेंगे हम 2.5 इंच, बाकी जितना बचेगा उतना ये कंधा हो जाएगा 3.5 इंच। ये आगे वाला भाग है मतलब फ्रंट वाला, 6 इंच गला, नीचे से भी 2.5 इंच रहेगा और इसकी गोलाई रहेगी 0.5 इंच की। आर्म होल लगेगा 5.5 इंच। गला आपको अगर बड़ा बनाना है यानी डीप गला बनाना है तो 2 पॉइंट हम तिरछा रखेंगे इस तरह से गला की तरफ। और यहाँ से भी तिरछा हो जाएगा, जैसे यहाँ से ये 6 इंच है तो यहाँ से भी हम 6 इंच का माप ले लेंगे और 2 पॉइंट इधर से कम कर देंगे, तो इस तरह से 2 पॉइंट तिरछा हो जाए और इस तरह से मिला लेंगे। अब कपड़े को उतना ही फोल्ड करेंगे जितना हमको ज़रूरत है, हिप के अनुसार से हम कपड़ा फोल्ड करते हैं। जैसे हिप है या चेस्ट है उसके हिसाब से, सबसे ज़्यादा नाप जिसका रहता है उसके हिसाब से हम कपड़े को फोल्ड करते हैं। कपड़े को हम ज़रूरत भर ही फोल्ड करेंगे और 1.5 इंच या 1 इंच या 2 इंच जितना मार्जिन रखना है उसके हिसाब से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो चेस्ट है 40 इंच, तो 40 का चौथाई लेंगे, 4 हिस्सा में एक हिस्सा रखेंगे यानी 10 चौक 40, तो 10 इंच हम इसका चेस्ट का माप रखेंगे आर्म होल के बराबर। ये आर्म होल का गोलाई लेंगे आगे का 1 इंच, आगे वाले भाग का 1 इंच का गोलाई रहता है और पीछे वाले का 1.5 इंच। और यहाँ से हम माप लेंगे कमर का 14 इंच पे। ये कमर का माप हाइट के हिसाब से लंबाई के हिसाब से लिया जाता है, तो 14 इंच पे हम कमर का माप लेंगे। और हिप का माप अपने लंबाई के हिसाब से, मतलब जो जैसा कस्टमर बोलता है, किसी का 18 पे आएगा, किसी का 19 पे, 20 पे, अपना कस्टमर के अनुसार अपना हिप का मतलब ये कट वाला जो भाग है, कट्स है उसको हम रखेंगे। तब 20 इंच पे हम यहाँ पे हिप का निशान लगा देंगे। अब कमर का जो है माप रखेंगे, कमर का माप है 36 इंच, तो इसका भी 4 भाग करेंगे, 9 चौक 36, तो 9 इंच आ जाएगा, 4 भाग में 1 भाग 9 इंच हम रखेंगे कमर का नाप। और हिप है 40 इंच, तो इसको भी हम 4 भाग में 1 भाग रखेंगे, 10 चौक 40, 10 इंच। अब इसको इस तरह से हम मिला लेंगे। तो 10 इंच हम हिप रखे हैं, 40 इंच है तो 10 इंच यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे नीचे, और 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे लंबाई में, 2 इंच लंबाई में हम मार्जिन रखेंगे। लंबाई अगर है 40 इंच तो 2 इंच बढ़ाकर 42 इंच हम कपड़े पर निशान लगा लेंगे। अब ये 1.5 इंच या 1 इंच अपने हिसाब से हम मार्जिन रख सकते हैं। ये कमर हो गया 9 इंच, और सीना है 40 इंच, तो इसको हम 10 इंच पे लिए हैं।
और हिप है 40 इंच, इसको भी 10 इंच। आगे का गला 6 इंच गहराई और यहाँ से 2.5 इंच गला। तीरा इसका आपको बता चुके हैं, तीरा इसका है 6 इंच, आर्म होल 5.5 इंच, आर्म होल की गोलाई 1 इंच। मार्जिन अपने हिसाब से रख सकते हैं, मिनिमम मार्जिन हमें 1.5 इंच लेना चाहिए, 1.5 इंच मार्जिन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है सिमला डिजाइनर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।